नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारश। शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के सह प्रायोजक अब गर्मी को कहो गुड बाय थर्मोकूल कूलर्स के साथ। देश में 50,000 के पास पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक 39,391 मरीज कोरोना संक्रमित, कुल 1,694 मरीजों की मौत। टीम 11 के साथ जारी है सीएम योगी की बैठक, दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी योगी कैबिनेट की मीटिंग। सूत्रों के हवाले से खबर, यूपी में भी महंगी हो सकती है शराब, योगी कैबिनेट की बैठक में हो सकता है फैसला, पेट्रोल डीजल पर भी पड़ सकती है महंगाई की मार। आगरा और गोरखपुर में भी आज से शुरू हुई शराब की बिक्री। आगरा में शराब की दुकानों पर सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए डीएम और एसएसपी, सुबह 10 से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलने की इजाजत। शुरुआत करते हैं वाराणसी में, गाजीपुर के लाल को श्रद्धांजलि दी गई। वाराणसी एयरपोर्ट पर शहीद को नम श्रद्धांजलि दी गई। गाजीपुर रवाना हो गया है शहीद का पार्थिव शरीर। हंदवाड़ा आतंकी हमले में अश्वनी शहीद हुए थे। गाजीपुर में शहीद अश्वनी को अंतिम विदाई दी गई, भावभीनी विदाई जो है वो दी गई। तो ऐसे वक्त में जब हर कोई अपने जान बचाने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के जो जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ अपना फर्ज निभा रहे हैं, मुस्तैदी के साथ दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। हंदवाड़ा में हुए हमले में देश ने अपने 5 जवानों को खो दिया। और तस्वीरें भी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर के वीर सपूत का पार्थिव शरीर आज गाजीपुर के लिए रवाना हो गया है। ना सिर्फ गाजीपुर में मातम का माहौल है, बल्कि पूरा देश आज अपने सच्चे सपूतों को नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। ऐसे वक्त में जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, अभी भी कुछ ऐसे नापाक मंसूबे वाले लोग इस मौके का फ़ायदा उठाकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे देश के वीर जवान उनकी इन तमाम कोशिशों पर पानी फेर देते हैं। नीतीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, क्या अपडेट है आपके पास? कितनी देर में शहीद का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचेगा? प्राची, 1 से 1.25 घंटे का समय है। 1 से 1.25 घंटे के समय में जो शहीद का पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर उनके गांव पहुँच जाएगा। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये गम का क्षण है और आप देख सकते हैं अश्वनी कुमार यादव की अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पर मंच बना है और लोग यहाँ पे श्रद्धा सुमन अपने अर्पित भी करना यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही आपको बता दूँ कि CRPF के जवान कुछ यहाँ पर आ गए हैं और कुछ CRPF के जवान जो पार्थिव शरीर है उनके साथ आ रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर गांव में आज एक मेले सा माहौल है। मेला इसलिए कह रहा था क्योंकि शहीद के एक नज़र पाने के लिए शहीद की सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि बस उन कैसे उन्हें देख लें, कैसे उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दें। तो आप देख सकते हैं ये भीड़, लोगों की भीड़ है। सभी शहीद अश्वनी कुमार यादव के पार्थिव शरीर को देखने, उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और इसके साथ ही आपको एक गाड़ी दिखाना चाहेंगे जो बनाई है ग्रामीणों ने, जिस पर तिरंगा लगा हुआ है। वो गाड़ी आगे गीत गाती हुई, देश के गीत गाती हुई आगे आगे चलेगी। तो यहाँ पर जो टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर पार्थिव शरीर लाया जाएगा और यहाँ पर पहले लोगों को इसका दर्शन कराया जाएगा, फिर उसके बाद घरेलूजन भी उसका दर्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ से गाजीपुर घाट के लिए पार्थिव शरीर रवाना होगा। आपको बता दें जी, यहाँ पे जिस तरह से बनारस में श्रद्धांजलि दी गई पार्थिव शरीर को, यहाँ पर पूरा गांव गमगीन है। आपको बता दें
कि हर तरफ आपको आंसू और गम का नज़ारा दिखाई देगा, गम का हाल दिखाई देगा। हर कोई सिर्फ और सिर्फ यही कह रहा है कि तुम कहाँ चले गए। अब प्रची, जो ये माहौल है इसको बयां करना शायद मुश्किल हो रहा है। अश्वनी का जो व्यवहार कहा जाता था वो देश सेवा के लिए बहुत समर्पित था। अपने तीन भाइयों में अश्वनी सबसे बड़े थे, बचपन में पिता का साया उठ गया और तब से वो घर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और जब देश सेवा का व्रत उन्होंने लिया तो उन्होंने CRPF ज्वाइन किया और गांव के हर बच्चे को वो ये शिक्षा देते थे, ये कहते थे कि तुम्हें हर हाल में देश की सेवा करनी है। और हर लड़कों को, जो लड़के बड़े होते थे सबको CRPF और अन्य जो देश के सेवाओं के जो अन्य जो बल हैं उनमें जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो आज वो युवा, आज वो देश के सैनिक जिनको जिस शहीद ने प्रेरित किया था, आज वो भी खास तौर पे निराश हैं कि उनकी प्रेरणा का एक माध्यम वो आज इनके साथ नहीं है। लेकिन उनकी प्रेरणा हमेशा इनके साथ रहेगी और आज पूरा गांव अश्वनी को याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और सभी को अब इंतज़ार है अश्वनी के पार्थिव शरीर का। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं प्राची। आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो इसके भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो पूरी तरह से सुरक्षा के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए यहाँ पर अश्वनी यादव के शव को, पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। लोग उसका दर्शन करेंगे और इसके बाद जो पार्थिव शरीर है वो घाट की ओर, शवदाह घाट, गाजीपुर घाट की ओर रवाना होगा। बिल्कुल, देखिए नीतीश, वक्त है अपने उस बेटे को, अपने उस वीर जवान को आखिरी विदाई देने का, श्रद्धांजलि देने का, जिसने ऐसे मुश्किल वक्त में भी अपनी ड्यूटी निभाई, अपना फर्ज निभाया और सच्ची देशभक्ति दिखाई। नीतीश, आपने जब तस्वीरें दिखाई तो हम देख पा रहे थे कि लोग वहाँ पर तो मौजूद ही हैं जहाँ पर टेंट लगा हुआ है, जो आसपास के घर हैं उसकी छत पर भी लोग मौजूद हैं और बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है कि उनके बीच पार्थिव शरीर पहुँचे शहीद का और अंतिम दर्शन उनके कम से कम कर पाएं सभी लोग। जी प्राची, ये सिर्फ इस गांव के लोग नहीं हैं, ये सिर्फ अश्वनी के पड़ोस के लोग नहीं हैं, बल्कि कई गांवों से लोगों का रेला चला आ रहा है आज शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए। आप देख सकते हैं हर कोई, कोई गाड़ियों पर, कोई बाइक पर सवार होकर, कोई पैदल चल दिया है। तो अगल बगल के भी, अगर पड़ोस के जो भी गाँव हैं वहाँ से भी लोगों का एक हुजूम यहाँ पर पहुँचा हुआ है। सभी यहाँ पर आकर शहीद के पार्थिव शरीर का इंतज़ार कर रहे हैं। आप देखिए इधर कुछ पड़ोस के गांव के लोग मौजूद हैं जो, और कुछ चिलचिलाती हुई धूप है, लेकिन आप देखिए ये लोग ज़मीन पर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनके प्रेरणा के स्रोत, कब इनके देश की आन बान शान पे कुर्बान होने वाले शहीद का पार्थिव शरीर इनके सामने आए। ये उसे प्रणाम करें, ये उसे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें और अपने आप को कृतार्थ करें, अपने आप की देश सेवा का जज्बा महसूस करें। और आज यही जज्बा लेकर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आपको दिखा दें कि वो जो महिलाएं हैं वो घरों की छतों पे खड़ी हैं, घर की छतों पे महिलाएं खड़ी हैं और वो महिलाएं वहाँ से दर्शन करेंगी पार्थिव शरीर का। तो अब सभी को इंतज़ार है यहाँ पर कि कब पार्थिव शरीर लाया जाए। गाजीपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो एरिया आता है, अगर बात करें तो वहां तक पहुंच चुका है पार्थिव शरीर और ये बताया जा रहा है कि लगभग एक से सवा घंटे में यहां पे पहुंच जाएगा। इनको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है क्योंकि देश जहां एक तरफ सदमे में है 5 जवानों की शहादत के बाद, तो वहीं एक गर्व की अनुभूति भी होती है कि इस देश की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे कोरोना पर बड़ी खबर है। कोरोना पर योगी सरकार रणनीति बना रही है। टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक में अहम निर्देश, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर युद्ध स्तर की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। सभी 75 जिलों के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। तो ये अहम खबर आपको बता दें, टीम 11 के साथ रूटीन बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होती है। आज भी ये बैठक हुई जिसमें
तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम 75 जिलों के लिए रणनीति बनाई गई है, क्योंकि हालात देखिए बहुत अच्छे नहीं हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी। यहाँ पर दिन ब दिन जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, खासकर आगरा की बात कर लें तो यहाँ तो हालात खराब हो ही रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं। लखनऊ का हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। वीरेश, आज की जो टीम 11 की बैठक है, क्या सबसे अहम मुद्दा रहा है इस बैठक में, किन बातों पर चर्चा हुई है और क्या अहम निर्देश सीएम योगी के द्वारा दिए गए हैं? प्राची, आज से कई प्राइवेट ऑफिसेज और सरकारी ऑफिसेज खुल गए जो पहले नहीं खुले हुए थे प्रदेश में। इस वजह से सबसे बड़ी जो समस्या है कि कोरोना का संक्रमण न फैले, इसलिए इस लिहाज से स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बेहद ज़रूरी है और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा कर रहे हैं अपने अधिकारियों के साथ, और जो संबंधित निर्देश जारी किए गए हैं उसे मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। कई कई मुद्दों पर उन्होंने बात की, जैसे 75 जिले जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें 23,000 बेड के साथ 2481 विशेषज्ञ डॉक्टरों को रखा जाए। देखिए, पहले कोरोना को लेकर पूरा ध्यान केंद्रित था, जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वो कोरोना को लेकर ही केंद्रित थी, लेकिन कोरोना के अलावा जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जो बीमारियां हैं, उनका भी अब पूरी तरीके से देखभाल होना चाहिए। जो उनके रोगी हैं उनका भी इलाज बेहतर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अब लोगों को छूट मिली है। ऐसी स्थिति में लोग हॉस्पिटल्स भी जाएंगे, अपने जो जिला चिकित्सालय वहाँ भी जाएंगे, तो ऐसे में डॉक्टरों की व्यवस्था बेहतर है या नहीं है, जो बेड हैं उनकी व्यवस्था है या नहीं है, आइसोलेशन वार्ड जो बने हैं उसमें साफ सफाई है या नहीं है, जो तमाम इस तरह की स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उनकी समीक्षा मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है कि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जाए। अगर हम आंकड़ों की फिर से बात कर लें तो कोविड के लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के अस्पतालों में 41,000 आइसोलेशन बेड की भी व्यवस्था करने की बात मुख्यमंत्री ने की है कि अब और आइसोलेशन बेड की व्यवस्था बढ़ाई जाए जो कोविड हॉस्पिटल हैं, और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनमें डॉक्टरों पैरामेडिकल स्टाफ को इन्फेक्शन से बचाने की भी बात मुख्यमंत्री ने कहा है कि तमाम अगर जो तमाम कवायदे देखिए सरकार कर रही है ताकि संकट के वक्त में लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। वीरेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक और बड़ी खबर दर्शकों तक दे दें फिर आपसे जानकारी लेंगे। तो बड़ी खबर ये है कि आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर मीटिंग होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ मंत्री जुड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर ये है कि टीम 11 की बैठक के बाद दोपहर 12 बजे अब सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी कैबिनेट की बैठक भी करने जा रहे हैं। कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे और कुछ अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। कुछ मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और सबसे अहम है शराब पर फैसला और डीजल पेट्रोल पर फैसला क्या आज सरकार करेगी। ये अहम बातें इस कैबिनेट की बैठक में देखने वाली होंगी, क्योंकि अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये अहम फैसले लिए जा सकते हैं पेट्रोल और शराब को लेकर। वीरेश लगातार बने हुए हैं मेरे सहयोगी, उनका रुख करेंगे। वीरेश, आज की जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है सबकी नजरें हैं, क्योंकि शराब और पेट्रोल डीजल पर क्या फैसला सरकार लेती है ये सभी जानना चाहते हैं। देखिए, कोरोना काल में ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूसरी कैबिनेट बैठक है, और सही कहा आपने कि जो शराब पर और पेट्रोल डीजल पर क्या दिल्ली सरकार के जैसा ही कुछ उत्तर प्रदेश की सरकार करने जा रही है, कुछ दाम बढ़ने जा रहा है, कोई टैक्स लगने जा रहा है, कोरोना का कुछ गाज क्या इन दोनों सर्विसेज पे गिरने जा रही है, तमाम तरह की बातें हैं। क्या जो शराब की जो छूट दी गई है उसको लेकर, जो कानून व्यवस्था की समस्या सामने आई है उसको लेकर तमाम बातें होंगी। हम कह सकते हैं कि कोरोना काल की ये दूसरी कैबिनेट बैठक है और काफ़ी अहम है, और ऐसे समय में जब तमाम प्राइवेट ऑफिसेज और जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उन्हें खोला गया है। बिल्कुल वीरेश, देखिए, और इस कैबिनेट में तमाम बातों की समीक्षा भी की जाएगी, साथ ही साथ 50% टैक्स बढ़ा दिया जाए कोरोना टैक्स के नाम पर शराब पर, यह भी फैसला आज लिया जा सकता है। शुक्रिया आपका वीरेश तमाम जानकारी के लिए।
और अगली बड़ी खबर है, प्रवासी मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जनसुनवाई पोर्टल पर अब तक 62,000 रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। सबसे ज्यादा गुजरात से रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र से भी काफी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो ये भी बड़ी जानकारी आपको दे दें, जनसुनवाई.up.nic.in ये वो पोर्टल है यूपी सरकार का, जिसके जरिए आप अपनी डिटेल रजिस्टर करवा सकते हैं और बता सकते हैं सरकार को कि आप यहां यहां पर फंसे हुए हैं, तो आपको निकालने की जो कोशिश है, जो कवायदे हैं, वो सरकार की तरफ से की जाएंगी। और अभी तक 62,000 रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर हो चुके हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। सबसे ज्यादा गुजरात से हुए हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र से भी काफी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो देखिए, ये जो पोर्टल है इसकी भूमिका बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि एक तरफ अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और बाकी प्रदेशों में फंसे हुए हैं, तो आप अपनी डिटेल साझा कर सकते हैं और उन प्रदेशों से अपने घर वापस आ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये उन लोगों के लिए भी खास है जो दूसरे प्रदेशों के हैं और राज्य में फंसे हुए हैं, यूपी में फंसे हुए हैं, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और फिर उनको निकालने की जो तमाम जरूरी औपचारिकताएं हैं वो सरकार की तरफ से पूरी की जाएंगी। तो ये जो जनसुनवाई पोर्टल है, ये वाकई में बहुत कामगार साबित हो रहा है, खासकर प्रवासी मजदूरों के लिहाज से, क्योंकि अभी तक एक संशय की स्थिति थी। कई शिकायतें जो हैं वो मिल रही थी कि नोडल अधिकारियों का नंबर बिजी जा रहा है, नंबर नहीं लग पा रहा है, कैसे वो अपने घर जाएं, ये तमाम सवाल थे, लेकिन उन सवालों का जवाब अब मिल गया है। उस बीच एक और बड़ी खबर है, दिल्ली पुलिस के 75 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मौलाना साद मामले से जुड़े पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं, जांच कर रहे 5 पुलिसकर्मियों को कोरोना हुआ था। तो आपको ये जानकारी दे दें, अभी तक शिकंजे में नहीं आया है साद और उसका करीबी। बड़ी खबर आपको बता दें, जवाब किसी के पास नहीं है। वो मौलाना साद जो पहले तो अपने आप को क्वारंटीन होने का हवाला देता रहा, धर्म का हवाला देता रहा, वो मौलाना साद कहां है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि जिस मौलाना साद को जिम्मेदार समझा जा रहा था पूरे देश में कोरोना संक्रमण को बढ़ाने के लिए, उसी मौलाना साद के मामले से जुड़े हुए जो पुलिसकर्मी हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 5 पुलिसकर्मी पहले कोरोना संक्रमित हुए थे और अब 75, देखिए कितनी बड़ी संख्या है, 75 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, ये बड़ी खबर मिल रही है। और इसी के साथ फिर सवाल भी खड़े होते हैं कि कहां है मौलाना साद और अभी तक उस पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा चुका है, क्यों नहीं मौलाना साद की तरफ से कुछ भी साफ हो रहा है। कभी टेस्ट होने की बात मौलाना साद की तरफ से कही गई, कभी ये कहा गया कि वो कोरोना नेगेटिव है, लेकिन कोई भी पुख्ता जो जानकारी है वो मौलाना साद के बारे में नहीं मिल पा रही है। और अगली बड़ी खबर यह है कि आईएएस के इस्तीफे पर मायावती ने ट्वीट किया है। रानी नागर को लेकर मायावती ने कहा, महिला सुरक्षा पर चुप्पी क्यों, इस्तीफा देकर गाजियाबाद वापस लौटी है आईएएस अधिकारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आईएएस अधिकारी के इस्तीफे पर मायावती ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके सवाल खड़े किए हैं कि महिला सुरक्षा पर आखिरकार ये चुप्पी क्यों है। बड़ी खबर आपको बता दें, मायावती जो कि इस कोरोना के संकट काल में सरकार के साथ हैं लगातार और सरकार का समर्थन कर रही हैं पूरे तौर पर, सरकार के जो कदम हैं उसमें कदम ताल कर रही हैं मायावती, लेकिन आईएएस के इस्तीफे पर अब उन्होंने जरूर सवाल खड़े किए हैं। ट्विटर के जरिए मायावती ने ये सवाल खड़े किए हैं। देखिए, उन्होंने लिखा है कि हरियाणा की महिला आईएएस अफसर रानी नागर को नौकरी के दौरान अपनी जान को खतरा के कारण अंततः अपनी नौकरी से ही इस्तीफा देकर वापस अपने घर यूपी लौटना पड़ा है, जो अति दुखद और अति दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला सुरक्षा व सम्मान के मामले में ऐसी सरकारी उदासीनता व अन्यों की चुप्पी क्यों। तो ये तीखा हमला मायावती की तरफ से किया गया है आईएएस के इस्तीफे के बाद। और अगली बड़ी खबर बरेली से, जहां लॉकडाउन में तैनात पुलिसकर्मियों को
टक्कर मार दी गई। नेशनल हाईवे पर बैरियर तोड़ते हुए यह हादसा हुआ है। हादसे में हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश की मौत की खबर मिल रही है। पुलिस ने डीसीएम के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। हेड कांस्टेबल को पुलिस लाइन में सलामी दी गई। मीरगंज थाना क्षेत्र के लभारी चेक पोस्ट की यह घटना है। तो देखिए, ऐसे लोग अभी भी हैं इस समाज में जो ये नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना वॉरियर्स उनके ही लिए हैं, उनकी मदद करने के लिए हैं। उसके बावजूद इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। तमाम कानून बना दिए, सख्ती कर दी गई, लेकिन फिर भी लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को टक्कर मारी गई है, जिसमें हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है। उन्हें पुलिस लाइन में सलामी दी गई है। डीसीएम के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। नेशनल हाईवे पर बैरियर तोड़ते वक्त ये हादसा हुआ था। और गोंडा से बड़ी खबर, छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। कक्षा 1 से 8 तक सभी स्कूलों की फीस माफी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। फीस के साथ परिवहन शुल्क भी माफ करें, बीएसए गोंडा ने एडवाइजरी जारी कर दी है। लॉकडाउन में फीस नहीं वसूलने के आदेश दिए गए हैं। तो ये बड़ी राहत है उन अभिभावकों के लिए जो लगातार इस चिंता में थे कि छात्रों की फीस भी अभी भरनी है। लॉकडाउन में जब पूरी तरीके से तमाम व्यापार नौकरियां जो हैं वो ठप पड़ी हैं, लोगों को इनकम नहीं हो पा रही है, ऐसे में बच्चों की फीस कैसे भरी जाए ये चिंता थी। लेकिन इसका जो हल है वो गोंडा में निकाल लिया गया है। बीएसए ने आदेश जारी किए हैं कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक कोई भी स्कूल फीस नहीं वसूलेगा अभिभावकों से। साथ ही साथ जो परिवहन शुल्क है, यानी जो ट्रांसपोर्ट फीस ली जाती है, वो भी ना वसूलने के आदेश जारी किए। तो बड़ी खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं, बड़ी राहत भरी खबर है छात्रों और अभिभावकों के लिहाज से। कोरोना काल में यूपी के 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच इस मामले में अपना आखिरी फैसला सुनाएगी, जिसका इंतजार करीब 4,10,000 अभ्यर्थियों को है। आज कोर्ट परीक्षा में पासिंग मार्क्स को लेकर फैसला सुनाएगी। बता दें कि जनवरी 2019 में योगी सरकार की दूसरी बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा थी, जिस पर 4 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा के एक दिन बाद नया कट ऑफ लागू कर 60 से 65% कर दिया गया था। अभ्यर्थियों ने कट ऑफ के खिलाफ 11 जनवरी 2019 को एक याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कट ऑफ 40 से 45% करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ सरकार ने 22 मई को डबल बेंच में याचिका दायर की थी। बाराबंकी में मिट्टी निकालने को लेकर हुए जमीनी विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल हो गए। बाद में बदोसराय के किंतूर गांव में पुलिस पहुंची और घायलों को सिरौली गौसपुर के सीएचसी में भर्ती करवाया गया, जबकि एक युवक को गंभीर अवस्था में बाराबंकी ट्रॉमा सेंटर से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जिसके रास्ते में मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से FIR दर्ज कर ली है। लॉकडाउन ने गरीब मजदूरों की कमर तोड़कर रखती है। अलग अलग जगहों पर मजदूर फंसे हुए हैं। ऐसे में तमाम मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर ही अपने घर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस भी उन पर अत्याचार कर रही है। ऐसे ही हरियाणा से पैदल चलकर आ रहे 150 मजदूरों ने पुलिसी आतंक से परेशान होकर हाईवे जाम कर दिया और घर जाने की जिद पर अड़ गए। असल में पुलिस ने सभी मजदूरों को बरेली रामपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया था, जिसके बाद मजदूरों ने हंगामा किया। बाद में सीओ से समझाने के बाद हंगामा शांत कर दिया। दवा नहीं करा रहे, खून निकल रहा है। किसलिए मारे हैं? किसलिए मारा है? हम रोड खाली नहीं करेंगे। जब क्या कर रहे थे आप? जब बजे
रामपुर में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन कराने के लिए मोबाइल मेडिकल सर्विस का आरंभ किया गया है, जिसे पूरे जिले में लोगों की जरूरत के अनुसार उन्हें दवाइयां और अन्य जरूरत की चीजें उनके घरों तक डिलीवर की जाएंगी, जिससे लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा और इससे वायरस के संक्रमण का खतरा भी काफी हद तक कम रहेगा। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार पूरे जिले में सेवा लागू की गई है। जिले के मुख्य हॉटस्पॉट टांडा में सेवा में विभिन्न मेडिकल स्टोर्स कर्मियों को लगाया गया है, जो मोबाइल मेडिकल सर्विस के माध्यम से लोगों को घर बैठे उनकी जरूरत की चीजें, उनकी जरूरत की दवाइयां उपलब्ध कराएंगे। मेडिकल सेवा। अलीगढ़ में एक युवक शराब पीने के बाद शोले फिल्म का वीरू बन गया और पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक का शराब पीने को लेकर पत्नी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक को काफी दिनों से शराब नहीं मिली थी, फिर जब उसने शराब का सेवन किया तो पत्नी से ही विवाद कर दिया। इसके बाद युवक घर से निकलकर पानी की टंकी पर चढ़ गया और काफी देर तक ड्रामा करता रहा। बाद में सूचना पर पुलिस चौकी इंचार्ज अरविंद और पूर्व मेयर शकुंतला भारती पहुंच गए। युवक को समझाया गया, पत्नी बच्चों को मौके पर बुलाया गया, तब जाकर युवक ने अपना ये हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म किया और नीचे उतरा। लेकिन देखिए शराब क्या करवा रही है, तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। 40 दिन बाद जब शराब मिली तो ये शराब इतनी सर चढ़कर बोली कि युवक पानी की टंकी पर ही चढ़ गया। बढ़ते आगे, अब खबर आगरा से है, जहां एक चाय की दुकान में भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों से आग लगी है, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। तो एक चाय की दुकान में आग लगने की खबर आगरा से मिल रही है। भीषण आग लगी है, आग पर काबू पाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। ये पता नहीं चल पाया है अभी तक कि आग आखिरकार कैसे लगी, क्या कारण रहे जिस वजह से चाय की दुकान आग की चपेट में आ गई। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कितनी भीषण आग लगी है, विकराल रूप आग ने ले लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि आग बहुत भीषण है, भयानक है। क्या वजह रही ये अभी तक सामने नहीं आया। बागपत के बड़ौत में शराब के नशे में दो लोगों के बीच चाकूबाजी हो गई, जिसमें श्यामबीर नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक का जोनिस गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे CHC से चिंताजनक हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस का दावा है कि शराब के नशे में लूडो खेलते वक्त दोनों में झगड़ा हुआ था, जबकि घायल युवक जोनिस के पिता का कहना है कि उसका बेटा पड़ोस में चारपाई लेने गया था। रास्ते में श्यामबीर शराब के नशे में हंगामा कर रहा था और उसके बेटे को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद मोहल्ले के लोगों ने श्यामबीर की पिटाई कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।